आज तो आईपीएल का पहला मैच है, तो मैं क्या धोनी करूं की एंट्री पे रुक के बच गए हैं। लेकिन वो ये आई लव माय लाइफ बट समटाइम आई जस्ट वाना, सही बताऊं तो मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था वरना तुझे कराई तुझे नीचे गिर के दिखाया तो तुमने अच्छे तरीके से मुझे लग रहा तू जिंदा नहीं है, तबीयत नहीं सही है यार। क्या हो गया तेरी तबीयत को? तेरी तबीयत मैं तब खराब मानूंगा जब तू सीधा खड़ा रहेगा, क्योंकि गिरता पड़ता तो वैसे भी रहे। गिर पड़ के सीखे आदमी लाइफ में। चलिए एक आर्गुमेंट में मैं अपने आप को ऊपर रख के दिखा मेरे से। रात में तो तू मेरे ऊपर आई नहीं पाता, मैं तेरे ऊपर। ऊपर नीचे की बात छोड़, अंदर कौन है किसके ही बता। मैं तेरे, बस मैं तेरे। कल इतनी इमोशनल वीडियो बनवा दी तो। हाँ, मैंने कैमरे से लोन किया था कि अब जा रहा है निहाल सिंह, निहाल ठाकुर अमर रहे हैं यार अपनी शादी के लिए, वो तो दिलवा दिया मैं कपड़े कुपड़े। कार्ड देना होगा, कपड़े ले लेते यार। क्या कार्ड देना यार? एचएनएम में पहुंची। कार्ड की फॉर्मेलिटी नहीं, कार्ड की फॉर्म मैं ही बंद करवाऊँ, मैं कार्ड की फॉर्मेलिटी, मुझे तो बस कहो तुम, मैं पहुंच जाऊंगा। तो हमारे कारपेंटर पेंटर सब आज ही आ रहे हैं, तो आज मैं जल्दी भी उठ के आ गया थोड़ा, मतलब अपनी अपने स्लीप साइकिल से एक घंटा पहले उठ के आ गया मैं, क्योंकि हर्ष अपनी वीडियो अपलोड कर रहा, रचित सोने लग रहा, मैं घूम फिर के भाई मुझे ही आना पड़ेगा, तो आ गया मैं। अभी कराते हैं काम, बता के चला जाऊंगा उसको कि पेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे होना है, क्योंकि मक्कारी कर दें अगर आते नहीं ना। वैसे तो क्योंकि फ्लैट में कोई नहीं था, मैं चाबी भी दे सकता था उन्हें, फिर भी मैंने कहा बता ही दूँ पहले आ गया। एक बोल हो गई, इसमें एक और कोट लगेगा ना, अभी एक और कोट लगेगा, यही हो जाएगा बस। और अंदर रे वाले रूम में चल रहा है अभी काम काफी रॉयल है। पर कांशु भाई आज पता चल रहा तुम्हें कोई काम नहीं आता, कहना अपना अगर खुद बनाना पड़े। सुबह से मैं खाना खा के आ गया इधर, विकांशु को फोन करा, मैं कहा ब्रो कैब पकड़ गया सीधा बाइक बीट का झंझट बना पड़ी हो। दो पहियों से काम नहीं चलने का, चार पहियों से चलेगा आज तो। बस अब चल के कुछ खावे पिएंगे यहीं अंदर ही, तुझे पता। और फिर बाल कटाऊंगा, तेरी कॉल आई तो तुझे समझ आ गया होगा मैं सो ही रहता था। हां तो बस मैं भी भागता ही भागता है बस, क्योंकि आज मुझे ये होता अगर आज काम ना हो ना, आज कुछ नहीं होने का, आज सारा काम निपटा देंगे जितना होना है ना, सब निपटा देंगे। रोज रोज सर दर्द, बस यहाँ और काम हो जाए, जिस काम को आए वो ऐप नहीं स्टार्ट हो रही, वो बिजली का रिचार्ज। अब तक तो पुरानी सोसाइटी की बढ़िया बनी थी वो ऐप, अभी यो भी बेकार है, इसकी रेटिंग तो एक ही है। हाँ, तो काम होने से पहले मैं बताना नहीं चाह रहा था, तो जो यहाँ पे मेंटेनेंस में हेड हैं उनसे ये वो करना था, कन्फर्मेशन लेनी थी कि वहाँ पे ना मैं बाहर ग्रिलिंग करानी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पहले वाले सोसाइटी में तो करा रखी थी लोगों ने, लेकिन इस सोसाइटी में किसी ने नहीं करा रखी, सेफ्टी के लिए होती है वो वैसे तो, यहाँ पे किसी ने कराई नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सिक्योरिटी टाइट है, पर हमें करानी थी, तो ओनर को भी करानी थी, क्योंकि हमने ओनर को कह दिया था हम अपने पैसों से करा रहे हैं। तो जब ओनर ने इनसे बात करी, इन्होंने कर दिया मना कि नहीं करा सकते। मैं कहने लगा कैसे नहीं करा सकते भाई, अरे तो तुम तो मालिक हो, मैं लीड लेके जाने वाला था, मैं तो एज ए टेनेंट लीड लेके जाने वाला था, मैं करा दूंगा। तो आज कल उन्होंने कह दिया कि आप जाके बात कर लेना एक बार। मैं आया आज, मैं प्रिपेयर था फुल इंग्लिश में, कायरा वाली चीज फॉलो करी गई, फेक एक्सेंट मार के इंग्लिश में मैंने कहा वी विल फॉलो द सेम पैटर्न ये वो। कह रहा कि वो क्यों करना आपको, मैंने कहा फॉर सेफ्टी पर्पस। तो पूछ रहा है आप क्या करते हैं, मैंने बता दिया ऐसे 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 हैं। तो फिर ये कह रहे ओके अगर आप सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जो नीचे रेलिंग का है, सेम कलर फॉलो करें। मैं यस ऑब्वियसली सर ऑब्वियसली। फिर कह रहा हाँ हाँ कराओ, मगर इंग्लिश साली काम तो सारे करा दे, काम तो सारे करा दे, यूं ही नहीं पहने गए थे काली टी शर्ट कैलिफोर्निया से अभी उतरी फ्लाइट, मगर कैडे बन के रहेंगे। लेकिन यार ओनर के साथ में इतनी बकरी मार रहा था, जो काम होना था ना वो रह गया, वो मेन डोर की देने आए थे और इधर उधर की बात करने में हुई वापस लेके चले गए। अब मैं भी नहीं लेने जाने का, मैं लोग ही बदलवा दूँ मेन वाला। वो जो हमारी पुरानी रील थी ना कि 5 बजे के बाद, अभी लेटेस्ट शेड्यूल डाली थी हमने नोएडा की, 5 बजे के बाद सेक्टर 62 की रोड पर आगे देखियो, तो जो हमारे ओनर है वे सेक्टर 62 ही रह रहे, तो वहां जाने से बढ़िया है कि मैं लोग ही चेंज करवा दूँ। 1000 रुपये का तो पेट्रोल लग जाएगा गाड़ी में, 1000 रुपये का लोग लगने का भी नहीं, नहीं तो अपना किंग आके देना चाहेंगे दे देंगे भाई चाबी, नहीं तो जिस दिन चाबी लगाएंगे उस दिन मुझे ही फोन करेंगे अबे भाई हमारी चाबी दे जा। नहीं यार, और वैसे मेन डोर के लिए लोग चेंज करा देने चाहिए जब भी आप नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रहे, क्योंकि ये नहीं पता ना कि वहाँ के की कितनी की थी वहाँ पे, कितने उसके लोगों ने और बनवा ली होंगी डुप्लीकेट, तो भी पहले वाले ने भी वो कर रखा हो। हाँ। में था कौन, और सिंगल गेट है ना, डबल होता तो ये है कि फिर ताला अपना लगा दो। वैसे भी हम यहाँ पे दूसरा गेट लगवा रहे हैं, एक और कहना पड़ा भाई घर की तरह लेके चल रही मामला। ओनर खुश है, ओनर को मैंने एंड में 2-3 चीजें कही ना, मैंने कहा ये लगवा दो वो लगवा दो, कह रहा ठीक है सुंदर से लगवा। हाँ बस ये कह रहे सुंदर सा लगवाना, मैं कहाँ लगवाऊंगा, लोहे के गेट पर पुताई ऐसी करवा दूंगा स्टेनलेस स्टील वाली।
अरे नहीं मजाक कर रहा यार, पता लगा ओनर भी वीडियो देखी यूं कहेगा मेरे सामने तो भला बना रहे, वीडियो में से गंदी गंदी बत्तक रहे। नहीं यार ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील के लगाएंगे, लोहे का थोड़ा भारी भी बहुत रहे ना, दिखता अच्छा नहीं ऊपर से भारी बहुत रहे। चलो तो पॉइंट की बात पे आते हैं कि तुम कैसे जीत सकते हो क्रेजी कैश प्राइजेस। देखो इंडियन T20 लीग का 3 अप्रैल को मैच है चेन्नई वर्सेस लखनऊ के बीच में, तो इस मैच के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके माय लाइन सर्कल ऐप डाउनलोड करके वहां पे अपनी टीम बना सकते हो। और इस ऐप की खास बात यह है कि यहां पे दूसरी ऐप के कंपैरिजन में कंपटीशन बहुत कम है और टूर्नामेंट के हर एक मैच में होता है यहां पे मेगा कॉन्टेस्ट जहां पे सेकंड प्राइज है 1 करोड़ रुपए, तो फर्स्ट प्राइज तो कितना बड़ा और क्या ही होगा। और साथ में अगर तुम मेरा कूपन कोड LAKSHAY23 यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट प्लस ₹1500 बोनस भी। सो गो एंड मेक योर टीम ऑन माय लेवन सर्कल ऐप। अभी दो लड़कों ने कैसी बनाई करी रील बनाने के ऊपर यार, एक ना ब्रश वाला सीन था, मैंने ऐसे ही रैंडमली एक ब्रश उठाया मगर इस पे कुछ लग नहीं रहा, यहाँ मार दिया। क्या थोड़ा सा डिब्बे में तो बची रहा होगा, पेंटिंग टांग नहीं पड़े देखी, वैसे इतना तो दिखे भी नहीं। भैया ढूंढ रहे हो कि इनकी गलतियों को कैसे दबाऊं यही इन्हें तो क्या बचपन की गलतियां, दिक्कत यहां आ गई कि आज भी यही गलती कर रहे हैं, पता नहीं छुपेगी या नहीं, ये हमारी गलती। सेम ही है, सूख जाएगा बस, अभी ना वो हो जाएगा। अच्छा ये हमने डट्टी अभी वो किसी पेंटिंग पेंटिंग से ही छुपेगा किसी, अगले महीने एक काम और करेंगे जिसमें अंदर ये है कि पूरा डिब्बा इसमें तो थूक लगा के सही होगा, इसमें बैंडेड चिपका दूंगा कि दीवार के चोट लग गई थी। जस्ट अभी मेरी वीडियो डली है, अब कंपटीशन में रे भी लग गया, तुरंत ही लगा दी अपलोडिंग पे। मैं इधर डालनी थी भाई, तुमने डाली आज में। शर्म 5-7 घंटे की शर्म तो करते, 5-7 घंटे की तो करता भाई, कल डालता अपनी, मेरा तो आज का टाइम था, तो ये तो आज शिफ्ट हुआ कल से, हिरस करे मेरी ना लो भाई। कहना पेट हार्ड हो रहा, जब पेट वो हो ना, एक कहावत है पैर गर्म पेट नरम और सिर ठंडा, वैद्य की मिल जाए तो लगाओ डंडा। इस टाइम तीनों चीज गलत है मेरी, पेट भी हार्ड हो रहा है, पैर ठंडे हैं और सिर भी हल्का हल्का गर्म है। वैद्य की मतलब डॉक्टर, ये तो तीन लगाओ डंडा का मतलब क्या हुआ? गर्म पैर पेट नरम और ठंडा सिर हेल्दी शरीर के साइन है तीनों, अगर ये तीनों हो तो डॉक्टर के लट हो जाओ देखते ही। चल लगाओ डंडा। ये नहीं बताया था कि हमने, कि हम घर पे आ गए और फिर हमने बाहर से मंगा के खाया है, ये बता दिया था हमने। कुछ बचना नहीं चाहिए, जो भी पर्सनल कोई भी इन्फॉर्मेशन बचनी चाहिए फोन नंबर के अलावा, इससे कुछ नहीं छिपा सकते आप। जो है विकांशु कह रहा है भाई तुम तो कुछ नहीं अपने फ्लैट का काम करा रहे, तो मैं जा रहा अपने घर, तुम अपना सो। मैं सोच रहा 1 घंटा सो जाऊं, उसके बाद बाल कटाने जाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा आलस आ रहा है ब्रो। तो यही सो जाना, ओके चला जाइए। नहीं भाई नगर ही चलते, 1 घंटा तो नो भाई नींद निकाल दे यार, 1 घंटा फिर वो कब 2-4 घंटों में बदल जाएगा। चार भी कह दे बड़े भाई, तो बिल्कुल नहीं हूँ, घंटे के हिसाब से काम करना चाह रहा बिल्कुल नहीं चाह रहा, इनके घर जितने घंटे भी तम हो उतने के पैसे लेके जाऊंगा। कोई नहीं यार, उक्का दे देंगे तुझे, उक्का तय कर ले हमारे से, उसमें सोना खाना सब है, बनवा तो दिया हमारे, कमरा एक्स्ट्रा नहीं करवाया। अरे जब ये आ गए क्या, लो ये तो वैसे नहीं सोन देने के, आ जाओ चलो, आ जाओ भैया सोरे लुट लो, चाय हो जाए मगा, कितना का बनाओगे ये बताओ, आज अपनी मर्जी से बना दो तुम, उसमें खा लिया आज अपने बांटे का हो गया उसका हो गया, एक ही टाइम का खाना है ना यार, दूसरे टाइम में पैसे कट जाए। अगली भाई एक चाय भी नहीं, ये वही है ना एक दुकान पे वो चेलो भी चाय भी गिन दी। अरे आज तो 1 तारीख है ना, आज तो बड़े भाई सैलरी डे है यार, आज तो अकाउंट ही जाओ, कच डायरी निकालनी पड़ेगी मुझे अपनी। ये भाई इसमें चाय के पैसे काट लिए अपने, तब जो बचता हो वो दे। निहाल यार आज कह रहा था कि एक दिन तो मिल के आऊंगा शाम वाम में, आया ही नहीं। चलो भाई नींद में से उठ के आए, वैसे तो आऊ नहीं था पर मैं, चलो यार एक हसीन गुड बाय तो करी दे। और ये हो गया निहाल का सामान पैक, तो निहाल जी वापस आए हैं, अभी तो टॉयलेट करने आया, नीचे अद्दब लोग बना के लिए क्या वापस आ गया फिर लेट, बस एक छोटे से उसके लिए आया, अब तो वापस ही हो, पर नीचे ने कैमरा खोल लिया होगा यार, गेस्ट अपीयरेंस के लिए करवा दी थी अपनी पॉपुलैरिटी देख फिर वापस आ गए रखे नंबर इस टाइम। मैं ये कह रहा शादी से पहले निहाल के 10,000 फॉलोवर कर दो यार, फिर है ना, फिर शादी के अगले दिन रिक्वेस्ट बता दूंगा मैं कितनी आई, ठीक है। इसका अकाउंट प्राइवेट है, हम स्क्रीनशॉट दिखा देंगे, वही है पावर दिखा देंगे हम, नहीं फिर शादी के अगले दिन डिलीट हो जा। देख क्या चल, 10,000 छोड़, 5,000 अभी मतलब पहले थे 5-6,000 फिर मैंने हटा दिए, कितने 2-3 भी तो बना रखी लो, दो है बस, दो आईडी है तेरी, वाओ।
एक तो बिल्कुल चलती नहीं ना एक ही है मेन, तो मेरी जो अभी फैन फॉलोइंग। तो अब कब आओगे? एक से हम मिलेंगे यार कुछ टाइम बहुत टाइम बाद मेरे हिसाब से। एक आध कार्ड पकड़ाना है जब आऊंगा यहाँ पे। कार्ड यार ऑनलाइन भेज दिए क्या? अच्छा दोस्तों को देने आओगे? एक के घर देना पड़ा है बस, उसके मम्मी पापा बन जाते थे बिना कार्ड के। ओके चलो गाइस। ओके भाई ध्यान रखियो इनका। वीडियो चलाती है यार, गाना रुक जा। आई टू का फेल इन इबिजा, ये तो मेरी एंथम बन जाना चाहिए ये गाना। हाँ खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी। मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था, तो फ्लैट की एक एडिशनल की जो है वो अभी मुझे एकदम से लानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रोकर का फोन आया कि मैं सुबह कहीं निकल रहा आउट ऑफ सिटी, तो आप चाबी ले जाओ और हमारी पूरी ब्रोकरेज भी दे दो। मैं कहा ठीक है भाई, दूसरे पॉइंट से तो मैं एग्री करता नहीं, लेकिन हाँ चाबी लेने मैं आ जाऊंगा, लेकिन बिना उसके वो चाबी नहीं देंगे, तो उनकी वो भी पूरी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। और बैचलर से बहुत ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज करे हैं, यूजुअली 21 दिन का होगा या फिर 15 दिन का ही होगा, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन हमें एक महीने का बोला गया था कि ब्रोकरेज एक महीने के लिए, हमने थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके उसमें 5-7 दिन तो कम करे, लेकिन सच में बहुत ही ज्यादा स्पॉइल करा जाएगा ना इसमें। फ्लैट रेंट के बिजनेस में ना बहुत ज्यादा बैचलर को स्कैम किया जाएगा एक तरीके से बोला जाए तो। ऐसा खौफ बना रखा कि आप बैचलर हो आपको कुछ नहीं मिलने का, उस चक्कर में आदमी एक्स्ट्रा पे कर दे पैनिक होके। कई लोगों के साथ हुआ और ऐसा। आज काफी अच्छा मौसम है यार ड्राइव के लिए ना। ये देखो ये जब गाड़ियों का रिफ्लेक्शन सड़क पर पड़े ना पानी की वजह से मजा आ जाएगा सबसे। लेकिन आज कोई है नहीं यार, मेरा मन कर रहा था आज कहीं ड्राइव पे चला जाऊं किसी के साथ, लेकिन कोई है ही नहीं अवेलेबल। अकेले घूम घूम के मैं थक गया। सच में अकेले घूमने में कोई मजा नहीं लाइफ में जब तक साथ में दोस्त लोग या कोई पार्टनर ना हो। चाबी पकड़ ली है, अब जाके खाना खाने का मन है भाई, भूख लग रही बहुत तेज। मेरा बिल्कुल मन नहीं था घर आने का, लेकिन खामगा पेट्रोल फूकने से कोई फायदा नहीं, आना फिर भी घूम फिर के यहीं आधे घंटे बाद आ जाता ज्यादा से ज्यादा। और लुक एट दैट नदी। सोसाइटी वालों को एक बोट दे देनी चाहिए हम सबको ये पैचेस पार करने के लिए, क्योंकि इसके लिए कुछ करते तो है नहीं। तो जब भी हो रही है पेचन नहीं, मुझे हो रही यार पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत शांत दिन चाहिए आज, शांत रात। वीडियो डाल के मुझे यूं लगा बस कि 2-3 घंटे तक बस यूं अकेले में यूं लेट। मुझे तो आज वाइल्ड रात चाहिए बिल्कुल, जंगलों में चला जाए बियर गिल्स की तरह। आज तो मैं बाइक पे भी घूम लिया, गाड़ी में भी घूम लिया, सारे बाहर के काम निपटा लिए, तब भी बेचैन नहीं हो रही पता नहीं क्यों। अकेला रहना सही हो कभी कभी, कभी कभी तो हो पर ज्यादा भी नहीं होता। हाँ ज्यादा भी यार, निहाल के भी ना अजीब सी शांति होगी। तो अब हम वैकेंसी निकाल रहे, रूममेट चाहिए, जैसा अखबार में निकला ना बन्नो चाहिए, इसी तरह से हमें रूममेट चाहिए। यह जब सबकी एक एक बन्नो हो जाएगी फिर तो यार, मतलब धीरे धीरे एक एक ऐसे ही हटता रहेगा। अभी निहाल चला गया, धीरे धीरे तेज तेज हटेंगे बंदों के आते ही, तो फिर भी कांच छोटा भी ऐसे ही हट जाएगा। हट जाएगा छोड़ो बस फिर कौन बचा? मैं तू और मुझे लग रहा अक्षित ही बच रहे किसी तरह, बचे रह जाएंगे और फिर उसके बाद मैं, फिर उसके बाद अक्षित, तेरा तो मैं भी वो नहीं ले सकता। गारंटी नहीं है रिश्ते से पहले नहीं तो कोई लड़की की गारंटी। तेरा तो मुझे लगे घर वाले बस यूं थमा दे आंख ले भाई, अरे तू यूं करके इधर को मुंह करके और बस यूं पकड़ रखा तब तो तू कर सके शादी। तो जब ये नहीं पता चादर में क्या है इस टाइम। नहा लिया और फाइनली नहा लिए, फाइनली लक्ष्य चौधरी नहा लिया, फाइनली अब मेरे सोने का टाइम है, फाइनली लक्ष्य चौधरी सो गया, फाइनली निहाल ठाकुर चले गए। ऐसे यार आज मैं बड़ा अकेला सा फील कर रहा हूँ, क्योंकि निहाल भले ही पूरे दिन फ्लैट पर रह भी नहीं था ना, तो रात के रह रहा था कि चल आया गया कहीं घूमने का वादा, मुझे उस बात किया करूँ था मैं, चल मूवी चल रहे घूमने चल रहे, क्योंकि निहाल के मेरे शौक काफी मिले हैं और वहीं थोड़ा रचित के शौक अपोजिट हैं, हर्ष के तो पूरे अपोजिट हैं, तो कहीं ना कहीं वाइब मैच हो रही थी पूरी। लेकिन ठीक है यार, मतलब मैं ये फील कर रहा था, मुझे जब एक साल पहले निहाल ने बताया था 24 अप्रैल को उसका बर्थडे था, उस दिन उसका फोन आया था, मैं घर पे ही था, मेरा रिश्ता फिक्स हो गया और शादी की डेट अभी निकाल रहे हैं, तो वो कुछ ऐसा हुआ कि शादी की डेट निकलते निकलते पूरे एक साल बाद की निकली थी, तो मुझे अच्छा भी लगा था कि एक साल बाद की डेट, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा था कि जैसे ही शादी की डेट पास आएंगी भाई फिर तो घर ही चला जाएगा परमानेंट। हर दोस्ती का एक दी एंड होता है, दोस्ती का दी एंड ये नहीं कि आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है, पर वैसे ही हो जाना फिर, मतलब जब तक आप बैचलर हो जब तक आप साथ रह रहे तब तक कुछ अलग बात है, जब आप अलग अलग हो जाते हो। ये दिन हर किसी की जिंदगी में आना, मतलब हर एक बॉन्डिंग में आना, एक दिन हर्ष के साथ, रचित के साथ, छोटे लक्ष्य के साथ, बालियान के साथ, सबके साथ ही होगा। बस ये है कि हम पास पास एक दो गली छोड़ गई, निहाल थोड़ा 15-20 मिनट दूर है मेरे घर से, पर वो ये ना कि उसके बाद वहां भी रहना नहीं कन्फर्म ना, ये हर कोई वहीं रहेगा, बालियान की जॉब लगी वो बाहर रहेगा। तो ये दिन मुझे पता था कि आएगा जरूर, और मतलब अच्छा भी लग रहा है मुझे कि यार उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है अब, पर ये भी लग रहा है कि यार एक साल और हो जाता, 2 साल और रह लेते साथ में, पर ठीक है होना था तो होना था। पर हाँ मैं यार टचवुड, मैं अपने आप को इस बात में बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे दोस्त हमेशा बहुत अच्छे बने हैं, जो जैसे भी बने हैं, मतलब कुछ लोग बचपन से भी साथ हैं, कुछ लोग ऐसे भी बने कि एकदम ऐसे, जैसे निहाल से मेरी दोस्ती थी 1.5-2 साल पुरानी थी, विकांशु से 1-2 साल पुरानी है, लेकिन जब भी दोस्ती हुई है मतलब मेरी अच्छी हुई है, मतलब
कभी मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जैसे मैं सुनता रहूं ना, अरे भाई बैग बिचिंग की या दोस्ती टूट गई। मेरी दोस्ती कभी किसी से टूटी, या तो मेरी दोस्ती हुई नहीं, और मेरी दोस्ती हुई तो वो लोग वही है, सातवीं से सात दोस्त अभी मेरे साथ है, अभी भी करते पुण्य अभी भी करते पाप है, तो जिन जिन से हुई फिर चली है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़े। लेकिन इसकी टिप्स में यही, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ दोस्ती में, हो सकता है कभी इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन मैं टिप्स ये दूंगा, कभी जब आपकी एक दोस्ती हो जाए ना, एक ना दोस्ती का जोन होता है, उसमें तो रहो टॉप बिल्कुल नंगे, सब पता हो भाई लड़के लड़के हैं सब पता है ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी पर्सनल लाइफ होती है, जरूरी नहीं फैमिली वाली हो, बंदी वाली भी होती है, और भी कुछ ना कुछ ऐसे मैटर होते हैं कि जहां तुम्हें नहीं घुसना चाहिए सामने वाले के। पता नहीं यार, मतलब एक और चीज बोलूंगा मैं यहाँ, मैं बहुत गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन हमारे बीच का मैं बताऊंगा कि जो स्प्लिट फैक्टर है ना, जहाँ लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि तेरा इतना हुआ मेरा इतना हुआ, कुछ खा पी लिया, या जहाँ पे साथ में रह रहे हैं, हमारे बीच में कभी भी ऐसे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ये स्प्लिट वाली चीज बहुत जरूरी है, लेकिन मैं पढ़ने लिखने वाले बच्चों को जो माँ बाप के पैसों पर रह रहे हैं बहुत जरूरी है, और लोग बोलते भी है कि भाई अगर आपको फाइनेंशियली कभी ट्रबल में नहीं आना तो आप स्प्लिट वाली चीजें यूज करो, विदेश में तो लोग कहना पार्टी में भी यूज करें स्प्लिट की, पार्टी होस्ट की उसमें भी स्प्लिट कर लिया, लेकिन हमारे बीच में कभी नहीं। और यही मुझे लगता है कि मतलब मेन रीजन यही है कि कभी ऐसा हमारा कोई जिक्र ही नहीं हुआ पैसे वैसे को लेके, किसी बात को लेके, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी ज्यादा खुल जाऊंगा तो दिक्कत यही बता रहा था मैं, मतलब मेरी मेन जो कहना था वो यही था कि आज जहां मेरी अलमीरा में निहाल के कपड़े रखे रहे थे वो भी खाली हो गया, अब मैं वहाँ पे भी अपने कपड़े रख पाऊंगा, लेकिन मैं उसे कहा मैंने अब जिस दिन तू आएगा शॉपिंग के लिए उस दिन बताइए, उस दिन मिलते हैं, पर वो मजा चला गया, वो सुबह उठ के मैंने निहाल भाई चाय पिएंगे क्या, निहाल भाई ब्रेकफास्ट बाहर से खाएंगे, निहाल भाई एमएटी चलो घूमने, डेज थे यार वो। और जब हम पिछले साल ये दिन जी रहे थे, मुझे हर एक दिन ये रियलाइजेशन थी कि एक दिन निहाल अपने घर जाएगा बहुत जल्दी, और बस ये दिन एंड हो जाएंगे, और हर्ष और रे सो चुके हैं, और ये वक्त था मैं निहाल को कहता मैंने चलो चाय पीने चलते हैं। निहाल व्लॉग में थोड़ा कम आता था, कैमरा के पीछे हम बहुत फन करते थे, व्लॉग में थोड़ा कमी आ गया, तो कहता यार तुम ना ज्यादा कर दो, मेरा हो गया रिश्ता था मैं, मुझे थोड़ा मैच्योर दिखना है, मैं ठीक है, तो इसीलिए अब कुछ लास्ट के कुछ महीने वो कमी दिखता था व्लॉग में, बट हाँ रहता बहुत टाइम हमारे साथ ही था। तो चाय यार कहाँ पिए यार, बड़े भाई भी घर यहाँ से इतनी दूर रहे कि बड़े भाई के पास जाने लगा तो मैं 10 कप चाय वैसे बन जाएगी इतनी देर में, 15 मिनट लगे उसके यहाँ जाने में भी, तो मैं जो हूँ ऐसे ही थोड़ा सा अपना खाना गरम करके खा लूं और सो जाऊं। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और इस नूरानी चेहरे को देखना ना भूले, और साथ में ना भूले माइलन सर्कल पे अपनी टीम बनाना, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिए लिंक्स, और हमारा कूपन कोड Lakshya23 यूज करने पे आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट प्लस 1500 रुपीज बोनस भी।